आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने संयुक्त राष्ट्र की पृष्ठभूमि तथा उसके उद्देश्यों के बारे में जाना था। आज हम उसकी संरचना के अंग है, जैसे 6 अंग है, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और न्यास परिषद, उसके बारे में जानेंगे। जिनमें पहली है महासभा। इसमें 193 सदस्य देश हैं। इसे विश्व की संसद भी बोल सकते हैं आप, विश्व की संसद। इसका हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क शहर में है। इस न्यूयॉर्क शहर में, परंतु इसकी प्रथम बैठक बैठक 10 जनवरी 1948 को लंदन में हुई थी। लंदन में एक जगह है, मेथोडिस्ट सेंट्रल हॉल। हॉल में इसकी प्रथम बैठक हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर बनाना है, इसका निर्णय महासभा के द्वारा लिए गए थे कि इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में बनाना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, जिनमें से 6 में से 5 अंगों के हेडक्वार्टर तो न्यूयॉर्क में, जबकि सुरक्षा परिषद का हेडक्वार्टर हेग में है, जो कि नीदरलैंड में स्थित है, जबकि उनके अलावा सभी के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अब इसके कार्य के बारे में देखते हैं कि ये क्या क्या कार्य करती है महासभा। इसके महत्वपूर्ण कार्यों में से है कि ये नए सदस्य, किसी भी देश को नया सदस्य बनाए, यदि संयुक्त राष्ट्र संघ का नया सदस्य बनना है तो उस नए सदस्य के बारे में निर्णय लेती है कि नए सदस्यों संबंधी निर्णय, दूसरा ये बजट पर काम करती है। बजट पर काम कैसे करती है, जैसे भारत 2 में एक बार इसका बजट पेश होता है, तो भारत के द्वारा जब 1921 का बजट पेश किया गया तो इकोनॉमी के आधार पर इसमें बजट दिया जाता है, जिसमें से सर्वाधिक बजट यूएसए के द्वारा दिया जाता है, जो कि कुल बजट का लगभग 21% है। भारत के द्वारा जब 1921 का बजट दिया गया था, इसमें भारत के द्वारा 0.8% बजट दिया गया था कुल बजट का, और भारत फिर भी 21वें स्थान पर था। ठीक है, तीसरा सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं 10। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य 15, लेकिन उनमें से 10 सदस्य क्या है, अस्थायी, उन सदस्यों का चुनाव महासभा में किया जाता है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा के द्वारा किया जाता है। इकोसोस, ECOSOC, आर्थिक इकोनॉमिक एंड सोशल कम्युनिटी, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, उसके सदस्यों का चुनाव भी महासभा के द्वारा किया जाता है। तीसरा जो यूएन का महासचिव सचिवालय होता है, उसका प्रमुख होता है महासचिव, उसका चुनाव भी महासभा के द्वारा किया जाता है। एक होता है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसके जजेज का चुनाव भी महासभा के द्वारा ही किया जाता है, और इसकी एक मीटिंग होती है साल में, लगभग सितंबर से दिसंबर के बीच में प्रतिवर्ष जो कि आयोजित किया जाती है। इसमें सभी देशों के एक एक सदस्य भाग लेते हैं, मैक्सिमम 5 सदस्य भाग ले सकते हैं, लेकिन चुनाव का अधिकार सिर्फ एक ही सदस्य को होता है, अर्थात एक सदस्य एक ही वोट दे सकता है। एकमात्र महासभा एक ऐसी सभा है जिसमें अमेरिका बराबर इंडिया वोट के आधार पर, चाहे अमेरिका ज़्यादा ही पैसे देता हो यूएन में, लेकिन वोट सिर्फ एक ही है दोनों देशों को। ठीक है, और इसमें यदि किसी सदस्य को, नए सदस्य को इसमें शामिल करना है,
तो मतदान के आधार पर शामिल किया जाता है, जिसमें 2/3 सदस्यों का विशेष मत के आधार पर 2/3 सदस्यों का बहुमत होना जरूरी होता है। इसी के आधार पर सदस्यों को शामिल किया जाता है। अब दूसरा है सुरक्षा परिषद। महासभा को एक ऐसे बोल सकते हैं कि विश्व की संसद, तो सुरक्षा परिषद को विश्व की पुलिस के नाम से भी बोल सकते हैं। ये पुलिस है जो कि सुरक्षा का काम करती है। ठीक है, इसमें 15 सदस्य हैं, जिनमें से 10 सदस्य तो अस्थायी है और 5 सदस्य स्थायी है। इन 10 सदस्यों का चुनाव तो हर 2 वर्ष में बदलते रहते हैं। प्रत्येक देश से हर 2 वर्ष में एक सदस्य जाता है, इस हिसाब से इनका रोटेशन होता रहता है। लेकिन 5 सदस्य हैं, इनकी याद करने की ट्रिक है A B C और R F, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रसिया और फ्रांस। ये सदस्य क्या है, स्थायी सदस्य हैं। इनके पास में वीटो शक्ति, वीटो शक्ति को इस प्रकार से बोलते हैं, निषेध अधिकार है। निषेध अधिकार से तात्पर्य किससे, वीटो का मतलब हो गया निषेध अधिकार, किसी काम को होने से रोकने की पावर। क्या, किसी काम को होने से रोकने की पावर, निषेध अधिकार। कोई काम है उसको यदि रोकना है तो वो क्या है, वीटो लगा देते हैं। ठीक है, यूएन में जितने भी महत्वपूर्ण का निर्णय लिए जाते हैं वो क्या है, सुरक्षा परिषद के द्वारा लिए जाते हैं। इसके निर्णय क्या होते हैं, बाध्यकारी होते हैं, जबकि महासभा के निर्णय क्या होते हैं, बाध्यकारी नहीं होते हैं। इन 10 सदस्यों का चुनाव क्षेत्रों के आधार पर किया जाता है, जिनमें से 5 सदस्य तो अफ्रीका और एशिया से आते हैं, दो सदस्य पश्चिमी यूरोप से, वो उनके राज्यों से, राज्यों से तात्पर्य है देशों से, पश्चिमी यूरोप के देशों से, पश्चिमी यूरोप और उनके राज्यों से, एक सदस्य पूर्वी यूरोप से और दो सदस्य लैटिन अमेरिकी देशों से। और 2 सदस्य आते हैं लैटिन अमेरिकी देशों से। इस सुरक्षा परिषद क्या करती है कि जहां पे कहीं भी सैन्य कार्यवाही की जानी है तो वहां पर कहते हैं शांति सेनाएं भेजती है। आर्थिक प्रतिबंध जितने भी लगाती है तो ये सुरक्षा परिषद ही लगाती है। इसके निर्णय क्या होते हैं, बाध्यकारी होते हैं। ठीक है, अब तीसरा है सचिवालय। सचिवालय से तात्पर्य क्या है कि ये क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य करता है, प्रशासन का कार्य करता है। प्रशासन का कार्य तात्पर्य कि कहीं भी बैठकें आयोजित करनी है, किसी प्रकार की रिपोर्ट तैयार करनी है अथवा बजट तैयार करना है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का मसौदा तैयार करना है, या किसी बैठकों का आयोजन किस स्थान पर करना है, उन सब का निर्धारण कौन करता है, सचिवालय करता है। इनमें कौन होता है, एक महासचिव होता है। यदि किसी भी स्तर पर यूएन को रिप्रेजेंट करना है तो ये महासचिव रिप्रेजेंट करता है। इस महासचिव का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, जबकि अन्य सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये महासचिव 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। सॉरी, वर्तमान में ये महासचिव एंटोनिया गुतेरेस है। क्षेत्रीय मुख्यालय इसके इसका मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क शहर में ही है, जबकि इसका क्षेत्रीय मुख्यालय अन्य जगह भी है, जैसे वियना, जिनेवा, नैरोबी आदि स्थान पर भी है क्षेत्र। अब चौथा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ। इसका हेडक्वार्टर हेग में है, जो कि नीदरलैंड में स्थित है, जबकि अन्य सबके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इसमें क्या है, 15 जजेज होते हैं, 15 जजेज होता है। और एक जज का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 9 वर्ष का होता है, तथा इसका कोरम पूरा करने के लिए भी 9 ही जज होने आवश्यक है। 9 जज के बिना इनकी बैठक प्रारंभ नहीं होती। भारत के अभी तक 4 जजेज चुने गए हैं, जिनमें से कौन कौन से हैं, अभी नाम बताता हूं उनका, डॉक्टर नगेंद्र सिंह, बेनीगल राव, रघुनंदन पाठक,
और एक है दलवीर सिंह भंडारी। आईसीजे में इन 15 जजों में से भी अध्यक्ष चुना जाता है। भारत का एकमात्र एक ऐसा वो रहा है, नगेंद्र सिंह ऐसे एकमात्र व्यक्ति रहे हैं जो कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों चुने गए इन्हीं जजेज में से, और दलवीर सिंह भंडारी एकमात्र ऐसे हैं जो कि दूसरी बार चुने गए। ठीक है, इसमें भी प्रत्येक 3 वर्ष में एक न्यायाधीश क्या होता है, सेवानिवृत्त होता है। इसमें भी क्षेत्र के आधार पर इसमें जजों का निर्धारित किया जाता है, जैसे 3 एशिया से, 3 अफ्रीका से, 5 पश्चिम यूरोप से और 2 पूर्वी यूरोप से और 2 ही लैटिन अमेरिकी देशों से। लेकिन एक बात ध्यान देने की कि किसी भी देश से 2 न्यायाधीश नहीं चुने जा सकते। भारत की सभी 4 न्यायाधीश अलग अलग समय पर क्या चुने गए, दलवीर सिंह भंडारी एक समय नहीं चुना गया था, दोनों अलग अलग टाइम पे चुना गया था। अब अगला है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, जिसे बोलते हैं इकोसोस। ठीक है, इसमें कितने मेंबर है, 54 सदस्य है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, लेकिन इसके एक अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। भारत इसका सदस्य 1 जनवरी 2018 से बना था, तथा इसका काम है जो विश्व में सामाजिक और आर्थिक जितनी भी परेशानियां आती है उनको दूर करने का कहते हैं प्रयास करती है। अब लास्ट है न्यास परिषद, इसको 1994 में क्या है सस्पेंड कर दिया गया है। इसका काम क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खत्म हुआ था, तब कुछ देश बहुत ही खराब हालत में थे, तथा उनमें न तो कोई संविधान था न उनका कोई कानून था, और उपनिवेशवाद चूंकि खत्म हो रहा था तो सब देशों को अपने संविधान बनाने की बात की गई थी, तो उनको किसी देश से शोषण से बचाने के लिए यूएन के द्वारा कुछ देशों को से कहा गया कि आप इन देशों का ध्यान रखिए। इसके लिए क्या बनाई, कुछ देशों को मिलाकर के क्या बनाएगी, न्यास परिषद बनाएगी, ताकि उन देशों का क्या शोषण से बचाया जा सके, तथा उनको एक प्रकार से बोल सकते हैं केयर टेकर का काम कर रहे थे वो देश उनका। तथा 1994 में एक तलाव अंतिम देश था जो कि प्रशांत महासागर में, इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया तथा कहा कि हम अपना संविधान बना सकते हैं। उसके पश्चात न्यास परिषद क्या कर दी गई, सस्पेंड कर दी गई। इसमें बहुत सारी 15 विशेषीकृत संस्थाएं हैं। जिनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।